स्टूडेंट, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है दिस टास्क, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 3 को समझ रहे थे। और प्रीवियस पार्ट में हमने समझा था पार्ट 1 और पार्ट 2, और आज हम समझेंगे जर्नी टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड बाय तिशानी दोषी का पार्ट 3। तो तिशानी दोषी ने बताया था कि किस प्रकार वो एकेडेमिक शोलास्की में जाकर के अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में पहुंचती है, वहां पर उन सब चीजों को समझती हैं और अपने विचारों को अपने लेख में प्रकट करती हैं। इसके पहले उन्होंने ये बताया कि ह्यूमन हिस्ट्री क्या थी और ह्यूमन ने किस तरह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट की, अंटार्कटिका रीजन में कैसे सिंपल फूड चेन चल रही है, और अगर फाइटोप्लैंकटन को कुछ ओजोन लेयर से नुकसान पहुंचा तो क्या हो सकता है आगे। अब हम देखते हैं इसका पार्ट 3। वॉक ऑन द ओशन, समुद्र पर चलना। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज, बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्रीज साउथ। द शोलास्की हैड मैनेज्ड टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक व्हाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइसलैंड विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर। आप बोलती कि एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस फुल ऑफ सच एपिफेनीज, एपिफेनीज मतलब एक्सपीरियंस करना किस चीज का, सडन रियलाइजेशन के साथ। तो उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत एपिफेनीज के रूप में रहा। वहां पर उसने अंटार्कटिक सर्कल को कहां से चलना चालू किया, कहां पर पहुंची थी, 60.55 डिग्री साउथ पर। जो शोलास्की जो उनका रिसर्च वेसल था वो अपने आप को कहां वो फंस गया था, थिक स्ट्रेच ऑफ आइस के बीच में, पेनिनसुला और टैडपोल आइसलैंड के बीच में। इसके कारण क्या हुआ कि जब वो एक ऐसे उसमें फंस गया तो वो आगे, उसका जो कैप्टन उसने बोला कि अब ये शोलास्की आगे नहीं जा सकता। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने ये बताया कि अब हमको फिर से पीछे जाना पड़ेगा, टर्न होना पड़ेगा। बट बिफोर वी डिड, ऐसा करने से पहले, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। हम सबको बोला गया कि आप सब गैंग प्लैंक पर उतरिए और ओशन पर चले। सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस, तो हम सब 52 लोग जो थे, किटेड आउट इन जॉर्जटेक्स एंड ग्लेज एंड ग्लेयर। तो उन्होंने क्या किया, जॉर्जटेक्स मतलब एक ऐसा फैब्रिक जिससे आप इजीली ब्रीद कर सकते हैं, तो उन्होंने उसको ऐसी उसकी किट को जॉर्जटेक्स से बने हुए फैब्रिक को पहना और ग्लेयर सनग्लासेस लगाए। वॉकिंग ऑन अ स्टार्क व्हाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, और एक ऐसी सफेदी चादर पर हम चल रहे थे जो कि चारों ओर फैली हुई थी। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे एक मीटर की लंबी थिक आइस पैक यानी एक पूरी आइस की पट्टी फैली हुई थी। एंड अंडरनीथ दैट, और उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग सॉल्ट वाटर, उसके नीचे सॉल्ट वाटर पूरा भरा हुआ था और उसमें लिविंग ब्रीद हो रही थी। लिविंग ब्रीद मतलब उसके नीचे क्या थे, समुद्र, मैराइन, जितने मैराइन स्पीसीज थी वो सब लिविंग कर रही थी, ब्रीद कर रही थी। इन द पेरिफेरी क्रेब ईटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स ऑन आइस फ्लोज मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल्डू अंडर द शेड ऑफ अ बैनियन ट्री। और वो कहती हैं कि और पास में ही वहां की परिधि के आसपास क्रैब ईटर सील यानी केकड़ा खाने वाली जो सील मछलियां थी वो अपने आप को अंगड़ाइयां ले रही थी और सन के आगे अपने आप में धूप के उस पर बैठी हुई थी। बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि जैसे बरगद के पेड़ के नीचे क्या आवारा स्ट्रे डॉग, जो आवारा कुत्ते हैं वो बैठे नहीं रहते, स्ट्रेच करते रहते हैं, ठीक वैसे ही ये क्रैब ईटर सील्स भी वहां पर स्ट्रेचिंग कर रही थी। इट वॉज नथिंग शॉर्ट अ रेवलेशन, Everything does indeed connect. ये बात बिल्कुल सही है कि हर चीज जो है किसी न किसी रूप से कनेक्ट करती है। प्रकृति की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वो हर चीजों को आपस में कनेक्ट करके रखती है। 9 टाइम जोन, 6 चेक पॉइंट, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर लेटर आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस
in play on our planet. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water और बहुत सारे ecosphere को cross करने के बाद, समझने के बाद, मैं इस बात पे अभी भी wondering हूँ कि कितना ज्यादा नेचर जो है वो प्लेनेट पे अपनी ब्यूटी को बैलेंस करती है. मतलब हर जगह नेचर ने, हर इकोसिस्टम में अलग अलग ढंग से अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ. हाउ वुड इट बी इफ अंटार्कटिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी? विल वी बी अराउंड टू सी इट और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमथ्स एंड वूली राइनस? Who's to say? अब बोलती है कि क्या हो अगर मान लो अंटार्कटिका फिर से वार्म हो जाए. अभी तो वो बहुत कोल्डेस्ट प्लेस है, लेकिन अगर वो फिर से एक वार्म प्लेस बन जाए तो क्या होगा? क्या हम ये सब देखने के लिए बचेंगे, या हम जैसे कि डायनासोर चले गए परिवर्तन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे मैमथ चले गए, वूली राइनोस चले गए, तो क्या हम भी चले जाएंगे उन्हीं की तरीके से? क्या अगर फिर से अंटार्कटिक वार्म हो जाए तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? यहाँ पे निशानी ये आपसे पूछ रहे हैं. Who's to say? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, all I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. अब यहाँ क्या पूछती कि कौन कहेगा कि हम अंटार्कटिक के वार्म होने के बाद जिंदा बचेंगे या नहीं बचेंगे? कोई नहीं बोल सकता. लेकिन वो फिर वापस आती हैं और कहती हैं कि 2 सप्ताह टीन एजर्स अपने साथ के जो बैचमेट्स के साथ उसने रहा, तो उनको ये एक आदर्शवाद समझ में आया. क्या आदर्श समझ में आया? कि हमको वर्ल्ड को सेव करना. हम कह सकते हैं कि ये सब कितना चेंज जो हुआ वो मिलियन ईयर्स में हुआ, लेकिन क्या एक छोटा सा डिफरेंस कुछ कर सकता है? एक दिन का जो एफर्ट है कोई डिफरेंस ला सकता है? ये क्वेश्चन उसने सारे रीडर्स से पूछा है कि मिलियन ईयर्स में इतना चेंज हुआ, तो क्या एक दिन का एफर्ट क्या कुछ डिफरेंस मेक कर सकता है? दिस वॉज द मोस्ट अम्यूजिंग एक्सपीरियंस फॉर द राइटर. ये उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था. थैंक यू बच्चों, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे.